नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेली जमात थी जो उठी और कहा मर जाएंगे मगर हम इस रियासत को बचाने की कोशिश करेंगे। हमने कुर्बानियां दी, हजारों हमारे वर्कर गरीब से गरीब भी, हमारे एमएलए मिनिस्टर मारे गए मगर हमने रुख नहीं मोड़ा। वज़ीर आज़म से एक बात कहना चाहता हूँ बड़े अदब से, पहले वो ये बताएं क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं ना, क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री, वो ये फैसला करें। जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाता है वो मेरा प्रधानमंत्री है या नहीं है, मैं तो उसको अपना प्रधानमंत्री मानता हूँ, हमने वोट दिया हो या नहीं है, और वह हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो जब वहाँ बात करता है वो हर भारत के इंसान के लिए बात करता है, मगर जो नफरत उसने फैलाई आजकल, इस नफरत को धक्का दे दीजिए कि भारत बच सके। भारत तरक्की नहीं करेगा जब तक अमन अंदर नहीं होगा, जब तक हम सब प्यार से नहीं रहेंगे, जब तक हम सब एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो।